तो अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं और ये हमारा दूसरा व्लॉग है। शिट 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 भाई, हेलमेट हेलमेट भाई, गिरेंगे मेरी मुझे लगता है। तूफान आ गया भाई। ये बड़ा अजीब सा ओपनिंग लिंक है यार, तूफान के बीच में मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। यार ये तो अलग ही एडवेंचर हो रहा है। सो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। नैनबाग से निकल कर अब हम जा रहे हैं लाखा मंडल की तरफ, जो यमुनोत्री के रास्ते में ही पड़ता है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सिर्फ 23 किलोमीटर बचा हुआ है लाखा मंडल, इससे पहले कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाए जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये व्लॉग है 16 अप्रैल 2023 का, जब यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान मैंने उत्तराखंड गढ़वाल डिवीजन में जौनसार बाबर रीजन को भी एक्सप्लोर किया था, जहां पर आता है लाखा मंडल। कहते हैं कि इस जगह की जड़ें महाभारत के समय से और पांडव सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। यहां पर बहुत सी कहानियां, बहुत से राज और फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम वहीं चलकर जानेंगे। वैसे मौसम खराब होने की वजह से नैनबाग से लाखा मंडल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था, इस वजह से रात में यहाँ के कुछ खास नज़ारे दिखे नहीं। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैंने सबसे पहले इस वैली की खूबसूरती को कैप्चर किया। वाओ, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे में अभी 7:10 और मैं हूँ इस वक्त लाखा मंडल के एलएम कॉटेज में। ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज है और लाखा मंडल टेम्पल जो है शिव जी का, वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत अप हिल्स में आकर ये कॉटेज बना हुआ है। तो यहाँ से चारों तरफ का व्यू इतना इतना शानदार है ना, पूरा वैली व्यू है और 360 माउंटेन व्यू है। चारों तरफ आपको माउंटेन्स दिखेंगे और बीच में एक पहाड़ी पर, छोटी सी पहाड़ी पर ये कॉटेज बना हुआ है। पूरा लकड़ी का बना हुआ ये कॉटेज है और यहाँ पर 3 रूम्स हैं, अच्छे खासे डबल बेडरूम है लकड़ी के, कोजी, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर रहने में। तो फैमिलीज़ वगैरह के साथ अगर आप लोग आना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप लोग चारधाम यात्रा कर रहे हैं और यमुनोत्री की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं, और अगर आप लाखा मंडल को अपनी लिस्ट में रखते हैं तो यहाँ पर आके स्टे कर सकते हैं। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है ना यहाँ का, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और पीछे यमुना नदी है वो सामने से बहती हुई जा रही है, उसकी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी दूर है तो बहुत ही हल्का सा साउंड आ रहा है कानों में नदी का, तो मतलब बहुत ही सूदिंग वाली फीलिंग है यहाँ की। एकदम से पहाड़ी से धूप निकल आई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा वार्म लग रहा है, क्योंकि कल रात में एकदम से जब बारिश हुई तो मौसम एकदम ठंडा हो गया, रात में काफ़ी ठंड लग रही थी। बाय द वे, बाकी अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ की जो भी डिटेल्स वगैरह हैं मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि फटाफट पहले तो रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे लाखा मंडल के टेम्पल को देखने, शिव जी का, जो बहुत ही पुराना एशियन टेम्पल है। उसके बारे में यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ बताई और इंटरनेट पर भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें हम वहीं चलकर आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड बाकी बातें हम करेंगे रास्ते में। चलो हेलो गाइस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ उस दौरान सबसे ज़्यादा इंपैक्ट मेरे बालों पे पड़ता है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और बहुत बार हेयर फॉल का भी सामना करना पड़ता है। तो पिछले कुछ समय से मैं बी ब्लेंड के कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। ये है बी ब्लेंड की हेयर फॉल कंट्रोल रेंज, जिसमें आते हैं 3 ऑसम से प्रोडक्ट। ये है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू, ये है हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर, और ये है बी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल स्कैल्प हेयर टॉनिक। बी ब्लेंड इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड, तो ये 93% तक आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है कैफीन और पी प्रोटीन। कैफीन आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है, नरिश करता है, और पी प्रोटीन इज अ पावर हाउस ऑफ मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, तो ये आपके जो डैमेज बाल होते हैं उनको बहुत जल्दी रिपेयर करता है और आपके बालों को शाइनी बनाता है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट SLS और पैराबेन फ्री हैं, मतलब नो केमिकल, तो किसी भी तरह का कोई भी हार्म आपके बालों को नहीं होगा इसको यूज़ करने पर। बाकी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको बालों पर हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू लगाना है, धीरे धीरे मसाज करनी है और उसे पानी से अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर, जिसे आपको बालों पर 3 मिनट तक अप्लाई करके रखना है, उसके बाद धीरे धीरे मसाज करते हुए पानी से अच्छे से इसे भी धो लेना है, और लास्ट में आपको लगाना है हेयर फॉल स्कैल्प हेयर टॉनिक।
और इसकी फ्रेगनेंस जो है ना वो इतनी अच्छी है ना, जब भी आप इसे लगाओगे ना बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। और इसमें एक शाइनी टॉनिक है जिसके इस्तेमाल से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी और चमकदार हो जाते हैं, और ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है बाय 60% इन 56 डेज। और मेरे जो बाल थोड़े बहुत टूट भी रहे थे वो पूरी तरह से टूटना बंद हो गए। मैं बालों में ऐसे हाथ डालता हूँ, कस के हिलाता हूँ, ज़ोर से पकड़ता हूँ तो भी मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं आता है, देख लो। बाकी ये सारे प्रोडक्ट हेयर एक्सपर्ट ने डिज़ाइन करें तो ये आपको देते हैं सैलून लाइक हेयर एट एन अनबिलीवेबल प्राइस ऑफ 399 ओनली। और बी ब्रांड की सबसे अच्छी बात जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर दिया जाता है एक ऐसी वुमन के साथ जिसे वो बी ब्रांड शाइन अकेडमी के थ्रू संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर इम्पावर्ड बनाते हैं। एंड दे आर ऑन द मिशन टू इम्पावर 10,000 वुमन अक्रॉस द नेशन, जो कि वाकई में बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो जब हर किसी को फायदा हो रहा है तो आप भी फायदा उठाइए। आपकी स्क्रीन पे जो कूपन कोड आ रहा है प्रशांत 2023, इसका यूज़ करेंगे अगर आप बी ब्रांड की वेबसाइट पे जाके तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका पर भी ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर चेक कर लेना। तो अगर आप लोग भी हेयर फॉल से परेशान है तो जाकर इन प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। बाकी लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। और भाई ये आ गए हमारे पराठे, सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। मैंने बिल्कुल ड्राई वाले पराठे बनवाए इनसे, भी ऐसे गरम गरम पराठे और चाय। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी आपको, अगर आप लाखा मंडल आना चाहते हैं और देहरादून से आना चाहते हैं तो यहाँ का कुछ डिस्टेंस है 116 किलोमीटर, लेकिन वो आपको पड़ता है विकास नगर से होते हुए। जब आप देहरादून से नीचे की तरफ विकास नगर से होते हुए जाते हैं तो 116 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, जहाँ पर चक्राता आता है और उसके बाद लाखा मंडल आता है। लेकिन अगर आपको मसूरी की तरफ से होते हुए आना है तो दूसरा रास्ता है, और वहाँ से आपको 102 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ता है। वो डिस्टेंस थोड़ा सा पास है लेकिन पहाड़ी रास्ते हैं पूरे, जहाँ से इस बार हम आए। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो विकास नगर से होते हुए चक्राता गया था, और इस बार हम आए हैं मसूरी से होते हुए। मसूरी से जैसे मैंने बताया था कैंपटी फॉल के आगे से जो रास्ता जाता है, नैनबाग होते हुए, नागटिब्बा होते हुए, फिर आप आते हैं लाखा मंडल, और ये आगे यमुनोत्री की तरफ जाता है रास्ता। यहाँ से अगर आप आते हैं तो आपको सीनिक ब्यूटी ज़्यादा दिखेगी, जो मैंने फील किया। पतली पतली रोडें हैं लेकिन हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर आप बाइक राइड करते हो या ड्राइव करके आते हो तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, और चारों तरफ मतलब सीनिक ब्यूटी का मज़ा लेते हुए आप आएंगे यहाँ पे। तो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं और फिर मैं आपको सीधे रोड पर ज्वाइन करता हूँ। स्टे ट्यून्ड, पराठे भी बहुत अच्छे हैं। चलो भाई यहाँ से बढ़ते हैं आगे, अब लाखा मंडल मंदिर के लिए। काफ़ी ऑफ रोड है यहाँ पे, लेकिन वैसे एक यही चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही अप हिल्स पे बना हुआ है ये रिजॉर्ट। 500 मीटर या 700 मीटर का एक ऑफ रोड है छोटा सा, और जब आप ऊपर आते हैं तभी आपको बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। तो उस व्यू को पाने के लिए थोड़ा सा तो ऊपर चढ़ कर आना पड़ेगा, पर ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू था तो इतना तो मशक्क़त करनी बनती है। नीचे उतर कर आने पर ये आपको मेन रोड मिल जाती है, और इस रोड को हमें राइट हैंड साइड की तरफ फॉलो करते हुए निकलना है। बस इतना सा ऑफ रोड है। और आज बाइक को भी चमका दिया है थोड़ा सा, दो दिन से इतनी गंदी हो रही थी है। जब हम नागटिब्बा ट्रैक करने गए थे तो बाइक को नीचे खड़ी करके गए थे, तो वहाँ पर इतनी धूल थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो पूरी मिट्टी से सन चुकी थी हमारी बाइक है। लेकिन आज ब्लैक बीस्ट वापस से चमक रहा है भाई। ये है पांडव गुफा, यहाँ पर भी आना है। ये पांडव गुफा थी, अभी हम लौटते समय यहाँ पर भी आएंगे। तो ये है लाखा मंडल का मेन गेट, चलते हैं अंदर। देखो कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं। ये आ गया मंदिर, पौराणिक एवं ऐतिहासिक देवनगर लाखा मंडल में आपका स्वागत है। चलिए अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हम आ गए हैं लाखा मंडल टेंपल को देखने के लिए। पीछे आप देख रहे हो, ये है लाखा मंडल टेंपल, भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर 2007 में खुदाई हुई थी, उसी दौरान यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ निकली, बहुत सारे शिवलिंग निकले जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले चलकर अंदर दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर यहाँ कोई पुजारी जी मिल जाते हैं, पंडित जी मिलते हैं, तो उनसे यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में।
मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये चित्तायुग का है, राम जी के टेम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई, श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, सोए चबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुन्द्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयत बंद रामेश्वर में। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टेम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे ध्यान लगाना, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशाने, खूर कहते हैं आप पैर के निशान, ये गोल गोल निशान दिख रहे हैं आपको, ये गाय के खूर के निशान है। ये कौन सी गाय है बेटा, बोलो बेटा। कामधेनु गाय, कामधेनु गाय जो समुन्द्र मथन से निकली थी उसके खूर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बना था, लेकिन इस मंदिर के परिसर में दी हुई जानकारी के मुताबिक 6वीं शताब्दी में इस मंदिर को सिंहपुर राजघराने की राजकुमारी ईश्वर्या ने बनवाया था। राजकुमारी ने यह मंदिर अपने पति जो जालंधर के राजा के पुत्र थे उनके मरने के बाद उनके प्राणों की सदगति यानी मोक्ष के लिए बनवाया था। इसके साथ साथ महाभारत से जुड़ी हुई भी यहाँ की बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाख का महल बनवाया था जिसे लक्षाग्रह कहते थे, और यहाँ के लोगों का मानना है कि वो महल इसी जगह पर था। ये सीट के नीचे आज भी लाख है, यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर लाख का महल होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर का ये वाला जो भाग है ना, देखो यहाँ पर एक गोल पत्थर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है गोल पत्थर, तो ऐसा बोलते हैं कि इसके नीचे सुरंग है जो कि बाहर तक जाती है, बाहर अभी हम चलेंगे, उसको पांडव गुफा बोलते हैं। तो ये सुरंग यहाँ से निकलकर वहाँ पर जाती है, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया भी था। पांडवों को बचाने के लिए ये सुरंग किसने बनाई थी? विदुर ने, विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। आपको आते समय नीचे सड़क पे गुफा मिली है ना, वो है पांडवों की द्वंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में द्वंदी ओडारी कहते हैं। लाखा मंडल के अंदर लगभग 24 गांव आते हैं, और कहते हैं कि पुराने समय में इन सारे गांव में कोई भी मरता था तो उसके मृत शरीर को कुछ देर के लिए यहां पर लाकर जीवित किया जाता था। उनकी डेड बॉडी यहां लाते थे, पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था, ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध बाप खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ। यहाँ पर देव और दानव की दो मूर्तियां भी है, और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जीवन और मृत्यु के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में। त्रेतायुग में इनका रूप है जय और विजय, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये देव है, इसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो, और ये दानव है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, ये मुख्य शिवलिंग है यहाँ का, इस मंदिर का। और ऐसा कहते हैं कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, ऐसा पंडित जी ने भी बताया। यहाँ पर एक शिवलिंग है जो ग्रेफाइट का बना हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि उसमें जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें आपकी खुद की छवि दिखती है, मतलब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के सात जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। बेटी जरा बेटा एक लोटा जल का देना, अगर आप लोग के दबाव मेरे पास
इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है बेटा, शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग के अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। ये हरि नाम के हरजन पे भी नाम है, जो हरिजन था उसके सपने में आता था ना। अच्छा। तो उन्होंने जब सपने में आया तो उन्होंने ये बोला कि खुदाई करो, मेरे को ये दबाई हुआ है। 2007 में यहाँ पर खुदाई हुई थी, उसके दौरान यहाँ पर ये शिवलिंग मिला था। तो इसमें 8 कोने हैं और इसे अष्ट दल शिवलिंग कहते हैं। तो ये पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो कि यहाँ लाखड़ मंडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इस पर अभी देखा ही हमने, जब इसमें जल डाला शिवलिंग में, तो आप बिल्कुल अपनी छवि को देख सकते हैं उसमें, अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल ये। तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है और भोलेनाथ की कृपा है। तो हर हर महादेव। और बाकी बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ, जिस प्रीमाइसिस में चारों तरफ माउंटेन्स हैं, पहाड़ों के बीच में बना हुआ ये मंदिर है। ये दीपक जी मिले यहाँ पर, इन्होंने एक और बात बताई कि लाखा मंडल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पांडवों के समय यहाँ पे 125,000 शिवलिंग की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस जगह को लाखा मंडल कहते हैं। और अभी भी जब यहाँ पर कहीं पे भी खुदाई होती है पूरे लाखा मंडल में, तो कहीं ना कहीं शिवलिंग निकली आता है, अलग अलग आकार का, अलग अलग कलर के। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितने अलग अलग आकार के और कितने अलग अलग रंग के शिवलिंग, छोटे बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई भारत के अंदर एक ऐसा शहर जहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिली है। तो दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से और पंडित जी से यहाँ की पूरी कहानी डिटेल में पता चल गई है, बहुत अच्छा हुआ। और पंडित जी ने भी बताया कि अगर आप YouTube पे जाकर देखेंगे, लाखा मंडल के वीडियोस को चेक करेंगे, तो ये बहुत सारे वीडियोस में दिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आता है पंडित जी से बात करता है और ये बहुत ही डिटेल में अच्छे से इत्मीनान से आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं इस मंदिर की। और ये एक हेरिटेज साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे में जगह आती है, मतलब पुरातत्व विभाग के दायरे में। तो यहाँ पर 200-300 मीटर के दायरे में आप बिना सरकार की अनुमति के कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखी है, जैसे मैं कटरमल सूर्य मंदिर गया था जो कुमाऊं उत्तराखंड में आता है, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था, मंदिर देखने में इसी तरह से था। आई थिंक इसको नागर शैली में बनाए हुए मंदिर बोलते हैं। बाकी इस मंदिर की स्थापना महाभारत के युग में हुई थी, मतलब पांडवों के समय में इस मंदिर को बनाया गया था, तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना होगा। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये जगह, ये मंदिर करीब करीब 1000 साल पुराना ऐसा बताया गया है। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर से उतरकर नीचे। मंदिर से जब आप नीचे आते हैं करीब 200 मीटर के आसपास, तो यहाँ पर आपको मिलती है ये गुफा, प्राचीन पांडव गुफा बोलते हैं इसे। और ऊपर जो मैंने आपको एक गोल पत्थर दिखाया था, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से जो सुरंग आती है वो यहाँ पर मिलती है, और एक सुरंग यहाँ से आगे जाती है कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली तक। तो चलकर देखते हैं, हालांकि सुरंग तो अभी बंद होगी, लेकिन ये देवस्थान है। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा शिवलिंग है, ऊपर पंडित जी ने भी हमें बताया था। तो चलकर अंदर देख कर आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पांडव गुफा को देखने के लिए, बहुत ही गहरी गुफा है। तो ये एक सुरंग है, देखिए अंदर जा रही है। तो यहाँ पर भी एक गुफा है और इधर एक शिवलिंग है बहुत ही छोटा सा, ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसमें जल टपकता है। हाँ। इसमें आपकी आकृति बनी है। ओ अच्छा 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 अच्छा, वो शिवलिंग है देखिए, वो देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एकदम शेषनाग की आकृति के शिवलिंग है और नेचुरल तरीके से पहाड़ों से कहीं से पानी आता है कि 12 महीने यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कृपया शिवलिंग को ना छुएं। तो वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से दर्शन कीजिए। भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ठीक है, आपने दर्शन कर लिया, मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि बहुत ही गहरी गुफा है ये, और बहुत देर अगर यहाँ पर रहेंगे तो आपको थोड़ा सा सफोकेशन भी होगा। यहाँ पर राजेंद्र जी मिल गए, यहाँ के पंडित जी हैं, ये इस गुफा में ही रहते हैं। और शिव जी का मंदिर भी है अंदर जी, स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा जी। 2005 में जो थोड़ा सा मिट्टी थी जब हमने हटाई वहाँ से, तो अंदर शिवलिंग मिला। तो उस समय बताते हैं कि अमरनाथ में जो है बर्फ़ का शिवलिंग नहीं बना था, तो लोग यहीं बोल रहे थे कि यही अमरनाथ है, यहाँ जो है छोटे रूप में आगे भोलेनाथ में। और ये गुफा जो है पहले से यहाँ पे बनी हुई है। फिर विचित्र माया ये है कि कहीं पे भी जल नहीं है पूरे गुफा में, केवल शिवलिंग के ही ऊपर जल टपकता है और वहीं का वहीं समा जाता है। तो ये मतलब बहुत विशेष है। और पांडवों ने जो है यहाँ गुप्तवास किया था, जैसे उनको 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो उस समय जो है पांडव इस गुफा में रुके। पर ये जो दो सुरंगें हैं, ये ऐसा बोलते हैं कुरुक्षेत्र तक जाती हैं दिल्ली में। देखो जी, अब इससे तो कोई गया तो है नहीं, कुरुक्षेत्र गए या केदारनाथ गए, है ना। सुरंगें तो बहुत है और गुप्त भी है, सुरंग के अंदर से फिर सुरंग है। अब जैसे हमने थोड़ी सी खुदाई करी तो वहाँ शिवलिंग मिल गया,
तो ऐसे कई चीज़ें होगी जो इसके अंदर है। अब लोग बाग जा करके क्या है कि वहाँ हाथ वगैरह लगाते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा है कि भाई आप शिवलिंग को ना छुएं, क्योंकि एक बार जो है जल बंद हो गया था, तो जब हमने यहाँ पे पूजा पाठ किया तब जो है दोबारा से जल प्रकट हुआ। अच्छा, इन सब जगहों पर जब आप आते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, जैसे इन्होंने बताया कि कभी किसी ने हाथ लगा दिया था तो वहाँ पर जल आना बंद हो गया। अब हम इसके लॉजिक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो, मानते हो पवित्र जगह है, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें उस तरह से भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो हाथ मत लगाओ चीज़ों को, सिर्फ इसका अनुभव करो और इसे देखो और इसको समझो और यहाँ का आनंद लो। और यहाँ का आनंद लो, यहाँ जैसे गर्मी हो रही है आपको अंदर लग रहा होगा कि बिल्कुल एसी भी इसके सामने, बिल्कुल 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 बड़ा सुकून मिलता है, लोग आते हैं बैठते हैं। हाँ, ये तो मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ यहाँ पर, जब मैं अंदर आया ना, बाहर बहुत गर्म है और अंदर आते टेम्परेचर एकदम से चेंज हो गया, तो ये चीज़ सर्दियों में जो है पूरा गर्म रहता है। अच्छा, ओह, तो ये बहुत अद्भुत चीज़ है, ये हमारे भारत में ही मिलेंगे अगर आप ट्रैवल करेंगे तो। कभी आते हैं लाखा मंडल तो इस गुफा में भी आकर एक बार देखिए, इसे भी अनुभव कीजिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। धन्यवाद पंडित जी। ठीक है भाई, गुफा के दर्शन हमने कर लिए, बहुत ही खूबसूरत सी गुफा थी, तो अगर आप लाखा मंडल आते हैं तो इस गुफा को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ पर चार युगों के शिवलिंग का एक साथ होना और आज भी खुदाई करने पर जगह जगह शिवलिंग का निकलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कोई तो बड़ी घटना घटी थी। शायद इसी वजह से यहाँ के लोकल लेजेंड्स और पांडवों की कहानियों की कड़ियाँ यहाँ पर आकर एक हो जाती हैं। इसी वजह से आज भी यहाँ के गांव वालों के मन में मर के जिंदा होने वालों की कहानियाँ हैं, मगर जो इतिहास में लिखा गया है वो इसके परे है। या ये भी हो सकता है कि समय के साथ साथ यहाँ का प्रशासन बदला और प्रशासन के साथ साथ यहाँ की कहानियाँ भी। पर लाखा मंडल के लोगों में पांडव सभ्यता और उस पर विश्वास आज भी कायम है।